नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। यूपी के बुलंदशहर में क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद के बाद दो गुटों में जमकर पथराव और फायरिंग हुई। रुक रुक कर पथराव और फायरिंग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक इनामी बदमाश सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और घटनास्थल से एक बंदूक, तमंचा और कई कारतूस बरामद किए हैं। वहीं दूसरे गुट की महिलाओं ने हाईवे पर जाम लगाकर हंगामा खड़ा कर दिया। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। ये पूरा मामला है बुलंदशहर के गुलावठी कोतवाली के गांव जिरावठी का, जहां जगह जगह पड़े ये पत्थर गांव में हुए पथराव की वारदात की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। दरअसल दो दिन पूर्व अफसर के भतीजे ने इनामी बदमाश यामीन के भतीजे को क्रिकेट खेलने के दौरान पीट दिया था। मामला गाँव के लोगों ने दो दिन पूर्व रफा दफा कर दिया था। आरोप है कि सुबह अचानक यामीन गुट के लोगों ने अफसर प्रधान के घर पर धावा बोल दिया और दोनों तरफ से जमकर पथराव और फायरिंग हुई। बताया जाता है कि कई राउंड फायरिंग हुई। गांव की गलियों में जगह जगह पड़े ये पत्थर पथराव की वारदात की गवाही दे रहे हैं। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने गांव के ही चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों को छुड़ाने के लिए यामीन गुट की महिलाओं ने सिकंदराबाद मार्ग पर जाम लगाकर हंगामा खड़ा कर दिया। क्या नाम है आपका? अफसर अली। अफसर अली, कहाँ के प्रधान हो तुम? ग्राम जिरावठी के। क्या घटना हुई आज? सर, हम घर पर सोए हुए थे। जो दूसरी जो पार्टी जो हमसे चुनाव में हारी है, प्रधानी के चुनाव में, जब से हारे हैं और जब से ही चुनावी रंजिश मान गई, और सवेरे सारे ने वो इकट्ठे हुए और बाहर से कम 10-15 लोग उनके साथ बाहर थे, हथियारों से लैस बाहर से आए हुए थे, और सुबह ही सुबह दिन निकलने से पहले ही घर पर उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया और गोली चलानी शुरू कर दी। गांव के जैसे ही लोग आगे इकट्ठा हुए, आग ने उन्होंने देख के जो अपने छत वत पर चढ़ के जाके, तो सर मैं अपने घर से निकल के बाहर आया। बाहर निकलने पे अपनी बैठक की छत पर जाके मैं उनसे पूछने लगा, जिनकी जी क्या वजह है आखिर इस वजह तो बताओ, जो तुम पथराव और गोली चला रहे हो, कम से कम पता तो चले हमें। तो इतने में ही इतनी कहते के साथ ही हामिद पुत्र फकीरा ने सीधी फायर करा मुझ पर जान से मारने की नीयत से, जिसकी वजह से मैं दीवार की ओर से आगे बच गया, जिसका जी निशान दीवार पे भी लगा हुआ। उसके बाद में यामीन पुत्र खुर्शैद ने मुझ पर सीधी गोली चलाई, जाहिद पुत्र खुर्शैद ने सीधी गोली चलाई, और इनके सबके हाथ में हथियार, देसी तमंचे, राइफल, बंदूक, बंदूक ही सबके हाथ में। कम से कम 50 लोग थे, जिनमें से चार पकड़ भी लिए हैं और एक का जो पोनी राइफल भी पकड़ी गई है देसी रंगे हाथों। किसी को गोली, पथराव, कोई घायल हुआ? नहीं, चोट किसी के कैसे भी कुछ भी नहीं लगी है। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने अब तक चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें कि यामीन पुत्र खुर्शैद को रंगे हाथों पकड़ा, राइफल समेत फोन राइफल है। जैसे गांव में कितनी बार आज पथराव हुआ? सुबह से कई बार बता रहे हैं पथराव हुआ है। सवेरे से 6:15 बजे से लगभग अब तक कम से कम 7-8 बार पथराव हो चुका है। पुलिस जाती है गाँव में और जाने के बाद में सिर्फ 2 मिनट लेट जैसे ही मंदिर पर आती है सड़क पर, तुरंत ये लोग पथराव करना शुरू करते हैं। फायरिंग एक तरफ से हुई है, पथराव एक तरफ से हुआ, दोनों तरफ से हुआ? एक तरफ से फायरिंग हुई, एक तरफ से पथराव हुआ। हमारा किसी भी तरह का कोई नाम में, तो कुछ लोग हैं वो यहाँ पर रहते ही ना, कुछ लड़के हैं जो पढ़ते लिखते हैं डिग्रियों में, कुछ पढ़ने के लिए आए हुए थे, कुछ बाहर गए हुए हैं अपने जॉब करने। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने पथराव करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस का दावा है कि हालात नियंत्रण में है। सर, गुलावटी थाना क्षेत्र में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है, जानकारी के मुताबिक फायरिंग भी की गई है, क्या कुछ ये पूरी घटना है? पुलिस के पास क्या कुछ जानकारी है? अभी तक जो जानकारी में आया है, ग्राम सरावटी की आपस में बच्चों का विवाद था, उसको लेकर लोगों में झगड़ा हुआ, तो वहाँ फायरिंग वगैरह की शिकायत और ईंट पत्थर वगैरह फेंके गए, तो प्रधान ने इसकी सूचना दी। डायल 100 भी मौके पर गया, फिर पुलिस ने जाके जो लोग थे इसमें कुछ 3-4 लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और विधि कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी घटना में सर लगभग कितने राउंड फायरिंग की जानकारी पुलिस के पास है और कितने लोग इसमें घायल हुए होंगे? लगभग 1-2 राउंड फायर किया। घायल लगभग कितने लोग हुए? घायल भी एक ही दो आदमी है, खास नहीं। अभी हालात सामान्य? अच्छा।